हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। स्टार्ट करेंगे आज 4 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। शुरू करने से पहले आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। लाइक करना ना भूलें, हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइक करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता यार, है ना। तो आप लोग की स्ट्रेंथ बहुत है, अगर आप चाहें तो एक दिन में 1000 लाइक्स दिला सकते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सपोज अ स्मॉल फैक्ट्री ओनर एक्चुअली नीड्स ओनली 2 वर्कर्स टू कैरी आउट हिज बिजनेस, बट इफ हिज एंटायर फैमिली ऑफ 5 पर्सन आर इन्वॉल्व इन रनिंग द बिजनेस देन दिस सिचुएशन इज नोन एज। तो आपको बताना है कि अगर 2 लोग की ज़रूरत है और पूरी फैमिली 5 लोग की काम कर रही है तो ये कौन सी सिचुएशन है। ऑप्शन है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज द एक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यूनियन गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ में इनमें से कौन सी चीज़ें आएंगी। फर्स्ट इज लोन टेकन फॉर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, सेकेंड इज बरोइंग बाय PSUs, थर्ड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। आपको बताना है इनमें से कौन से जो यूनियन गवर्नमेंट है उसकी एक्चुअल लाइबिलिटीज़ में आएंगी, ठीक है ना। ऑप्शन आर 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड टू एग्रावेट इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सी चीज़ें इन्फ्लेशन बढ़ा सकती हैं आपको बताना है, ठीक है। एग्रावेट इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ें इन्फ्लेशन बढ़ा सकती हैं। तो इंक्रीजिंग रेपो रेट, इंक्रीजिंग स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इन्फ्लेशन को एग्रावेट कर सकती है या बढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 एंड 3, 1, 2, 3, 3 ओनली या 2, 3, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर बाहर की आवाज़ आ रही है तो पार्डन मी फॉर दैट, मैं ट्रेवल कर रहा था तो फॉर दैट रीज़न सम वॉइस सम साउंड माइट कम फ्रॉम दी आउटसाइड एज वेल, बट एनीवेज वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूज़ एनालिसिस। कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ज़्यादा होगा तो मैं देख लूँगा, ठीक है ना। एक एक करके आप आंसर अटैम्प्ट ज़रूर करिएगा, डू टेल मी दी आंसर्स, अपनी तरफ से अटैम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको एक एक करके आंसर बता देता हूँ, ठीक है ना। पहला सवाल मैंने पूछा था कि स्मॉल फैक्ट्री ओनर अगर 2 लोगों की ज़रूरत है और 5 लोग पूरी फैमिली काम कर रहे हो तो ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। क्या होता है, जैसे मान लो अगर कम लोगों की ज़रूरत है और वहाँ पे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू एकोमोडेट ऑल दी वर्कर्स और ऑल दी मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, तो ये कहलाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक खेत है, वहाँ पे 2 लोगों की ज़रूरत है लेकिन 8 लोग की फैमिली के 8 लोग खेत में काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 6 लोग हैं 2 लोगों के बाद वो सब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है ना। आपके लिए सवाल ये रहेगा कि फ्रिक्शनल, साइक्लिक और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना। तो प्लीज़ डू टेल मी, है ना। जो लोग भी सीरियस तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा फ्रिक्शनल, साइक्लिक और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि एक्चुअल लाइबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है। देखो, लोन्स टेकन फॉर द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स, बिल्कुल सही बात है, लोन लिए जाएंगे बैंक्स को रिकैपिटलाइज करने के लिए, तो वो तो एक्चुअल लाइबिलिटी में आएगा। PSUs के द्वारा बोरोइंग, अगर PSUs बोरो कर रही हैं तो वो भी लाइबिलिटीज़ में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो एक तरीके से एसेट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट क्रिएशन होता है, इसलिए वो लाइबिलिटीज़ नहीं होंगे, है ना, वो रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटीज़ है, एसेट क्रिएशन है, इसलिए तीसरा हट जाएगा। 1 एंड 2 विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर, ठीक है ना। तीसरा सवाल है यहाँ पे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एग्रावेट इन्फ्लेशन। मैंने आपको पहले बताया था, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है जैसे रेपो रेट बढ़ाना, तो ये तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए था, तो एग्रावेट करने के लिए तो उल्टा होना चाहिए ना, रेपो रेट को घटाना चाहिए था, तो पहला नहीं होगा। स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, देखो जितने ये रेशियो है ना, CRR, SLR, रेपो रेट, ये सब बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक है ना। तो ये सब बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम होता है अगर, तो सेकंड वाला भी हट जाएगा, लेकिन थर्ड वाला देखो उल्टा लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग द CRR, तो डिक्रीजिंग द CRR है इसलिए वो सही है। इसका आंसर होगा 3 ओनली, सो 3 ओनली विल बी द आंसर फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, एनालाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड हाउ इज इट इम्पैक्टेड एंड हाउ इट कैन बी सेव्ड। आपको बताना है ग्राउंड वाटर का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं, इंडिया में किस तरीके से ग्राउंड वाटर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका पॉल्यूशन हो या उसकी कमी हो, इसकी एसिडिटी हो, है ना, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करिएगा। इसके बाद कि किस तरीके से ग्राउंड वाटर को सेव किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू आंसर। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। सबसे पहली बात फ्रंट पेज की न्यूज़ है, नो ट्रस्ट वोट डिसमिस्ड। अब वहाँ पे पाकिस्तान में आप सबको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था इमरान खान के अगेंस्ट, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया गया, स्पीकर ने उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 वायलेट कर रहा है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल में सिचुएशन ये है कि 3 महीने बाद वहाँ पर री इलेक्शन किए जाएंगे, है ना। तो पाकिस्तान में री इलेक्शन की तैयारी चालू है एंड देखते हैं उसके बाद क्या होता है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताना चाहता था। तो यहाँ देखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व का नाम है, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में, ये तो हमको पता है। कुछ टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। टाइगर रिजर्व जो है वो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जब आया था ना उसके अंतर्गत सेटअप करने की उसमें बात की गई थी। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है, गेनी मैनफोर्ड उसको लेकर के आते हैं और उसके बाद इसको किया जाता है। अब ये एडमिनिस्टर होते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत, ठीक है ना। तो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उसके अंतर्गत ये किया था। और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में एक चीज बताऊं, इसको एस्टैब्लिश किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंतर्गत। बना ये 2005 जरूर है, 2005 के बाद इसको बनाया गया था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को, लेकिन ये बना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो एक्ट है आपका 1972 का उसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब अभी एट प्रेजेंट देखो तो 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। अगर नंबर में थोड़ा चेंज होता है तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा। आई थिंक कि 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। रिसेंटली 2 टाइगर रिजर्व्स और बनाए गए थे जिसमें गुरु घासीदास आपका छत्तीसगढ़ का और तमोर पिंगला ये भी छत्तीसगढ़ का, दोनों टाइगर रिजर्व रिसेंट हैं। गुरु घासीदास जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, इसके अलावा तमोर पिंगला वो भी आपका छत्तीसगढ़ में ही है। तो इन दोनों को रिसेंटली बनाया गया था। अब कुछ क्वेश्चंस आप देखें कि हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है, तो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में है। विच टाइगर कंजर्व हैज़ हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन कहाँ थी, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में थी। फर्स्ट टाइगर रिजर्व इंडिया में आपका कौन सा था, तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व था। न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास एंड तमोर पिंगला, ये दोनों आपका छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद रखेगा, है ना। हाईएस्ट डेंसिटी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। तमोर पिंगला आपका, एक और चीज़ बता दूँ कि तमोर पिंगला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एज द पार्ट ऑफ सरगुजा जशपुर एलिफेंट रिजर्व। सरगुजा जशपुर एलिफेंट रिजर्व के अंतर्गत आपका तमोर पिंगला आता है, ठीक है ना। और सरगुजा जशपुर क्या है, एक एलिफेंट रिजर्व है जिसको 2011 में एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था और अभी इसको रिसेंटली टाइगर रिजर्व बनाया गया इसके अंतर्गत, सरगुजा जशपुर के अंतर्गत तमोर पिंगला को, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आगे मूव करते हैं और न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं। IPCC रिपोर्ट टॉक्स गोइंग डाउन टू द वायर। अब देखो क्या है, IPCC का ये कहना है कि हमने रिपोर्ट दी थी कि भैया अगर आप लोग कार्बन न्यूट्रल नहीं हुए और बहुत जल्दी आपने कुछ कंट्रोल नहीं किया, फॉसिल फ्यूल्स को आउटडेट नहीं किया, तो जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत जल्दी होगा और 1.5 डिग्री या 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर की बात की जाती है पेरिस क्लाइमेट डील में वो वायलेट हो जाएगा। अब देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास भी राइट टू डेवलपमेंट है, वी ऑल्सो हैव राइट टू डेवलपमेंट, तो हम अपना राइट टू डेवलपमेंट तो नहीं खो सकते, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो यही चीज़ IPCC ने कही कि अब जो बातचीत है वो बिल्कुल डाउन द वायर, मतलब सही से नहीं जा रही है, क्योंकि इमर्जिंग कंट्रीज अपना राइट टू डेवलपमेंट मांग रही हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं उनके पास राइट है, वाकई में ये राइट है। देखो अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब पहले डेवलप कर गए खूब, इन्होंने इंग्लैंड ने खूब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, खूब पॉल्यूशन पहला फैलाया, खूब क्लाइमेट चेंज किया, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बारी आई, इमर्जिंग कंट्रीज़ की बारी आई डेवलप करने की, तो आप लोग रोने लगे कि भैया फॉसिल फ्यूल को बंद करो, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो भैया आप डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो ना, आपने जितनी कंट्रीज़ में जो गंदगी फैलाई उसको आप ही साफ करो, दैट शुड हैव बीन द केस। चलो
अपार्ट फ्रॉम दैट IPCC के बारे में थोड़ा सा बता दूं, IPCC एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि क्लाइमेट चेंज को असेस करती है, और इसको 1988 में बनाया गया था। IPCC को 1988 में बनाया गया था, और ये बनाया गया था बाय वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना। दोनों ने मिल करके बनाया था। कौन कौन सी बॉडीज़ हैं? वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO एंड यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया था, ठीक है ना। 1988 में बनाया गया था इसको। एंड IPCC असेसमेंट प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स टू डेवलप क्लाइमेट रिलेटेड पॉलिसीज। अब IPCC की रिपोर्ट्स के मुताबिक ही जो गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, वो मतलब पॉलिसीज़ बनाती हैं, देखती हैं कि भैया IPCC ने ऐसा कहा है तो चलो इसके रिगार्डिंग पॉलिसीज़ बना लें, है ना। जैसे इनकी एक असेसमेंट रिपोर्ट आती है हर 7 साल में, दे प्रोवाइड असेसमेंट रिपोर्ट एवरी 7 ईयर, है ना। तो अभी 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, जिसमें से 5th असेसमेंट रिपोर्ट 2014 में आई थी, और अभी 2021-22 में आपकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है ना। पहली जो असेसमेंट रिपोर्ट थी वो 1990 में आई थी, 1990 में आई थी। तो ये थोड़े कुछ फैक्ट्स थे जो कि आपको जानने ज़रूरी थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। हमजा रिनाउंसेस द टाइटल ऑफ प्रिंस। तो ये जॉर्डन के फॉर्मर क्राउन प्रिंस है हमजा, जिन्होंने अपना टाइटल छोड़ दिया। ही हैज़ रिनाउंस द टाइटल ऑफ प्रिंस, ठीक है ना। सो ही हैज़ रिनाउंस द टाइटल ऑफ प्रिंस, ये आपको बताना था। अगली न्यूज़ देखते हैं। तालिबान ऑर्डर्स बैन ऑन पॉपी कल्टीवेशन। अब तालिबान ने कहा है कि पॉपी कल्टीवेशन वो नहीं करेंगे। दैट इज़ अ थिंग। पॉपी एक तरीके से नारकोटिक्स में आता है, आप सबको पता है कि नारकोटिक्स में आता है। अफगानिस्तान वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, ये भी याद रखेगा। जो पॉपी है, ओपियम जहाँ से बनता है, अफगानिस्तान वर्ल्ड का बिगेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है। अब तालिबान ने ही कहा है कि दे आर हैविंग अ बैन ऑन द कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक्स इन अफगानिस्तान। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि इंडिया जो है वो दो चीज़ों के बीच में फंसा है। एक है गोल्डन ट्रायंगल, एक है गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है ना। इंडिया इज़ बिटवीन टू ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम एरियाज़, दो ड्रग प्रॉब्लम एरियाज़ हैं, उनके बीच में इंडिया फंसा है। एक है आपका गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें ओपियम का इलिसिट प्रोडक्शन होता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, याद रखिएगा। इंडिया गोल्डन क्रिसेंट के बीच में है। गोल्डन क्रिसेंट में आता है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। एंड दूसरा है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोडक्शन रीजन है आफ्टर दिस गोल्डन क्रिसेंट रीजन, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आता है। तो ये याद रखेगा कि इसमें दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। गोल्डन क्रिसेंट वाले रीजन से हेरोइन का जो प्रोडक्शन होता है गोल्डन क्रिसेंट वाले रीजन से होता है, और गोल्डन ट्रायंगल में मिथैम्फेटामाइंस, याद रखिएगा, मिथैम्फेटामाइंस जो यूज़ होते हैं, याबा टैबलेट जिनको बोलते हैं, है ना, दे आर ड्रग्स ओनली। तो मिथैम्फेटामाइंस और याबा टैबलेट्स, इनमें जिसमें मेथामफेटामाइन और कैफीन दोनों होता है याबा में, तो ये रीजन जो है आपका ये गोल्डन ट्रायंगल वाला रीजन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। अगली न्यूज़ देखिए। UN चीफ नेम्स एंड इंडियन इन द क्लाइमेट टीम। तो अभी UN ने एक टीम बनाई है, द टीम इज़ अ हाई लेवल ग्रुप Constituted by the United Nations Secretary General to bolster action against global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग के अगेंस्ट जो है ये ग्रुप बनाया गया है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ग्रुप बनाया गया है। इसमें इंडिया के भी एक व्यक्ति हैं जिनको इंक्लूड किया गया, अरुणव घोष। मैं नाम बताना चाहता था कि आपको करंट में पता रहे, अगर कभी मेंस आंसर राइटिंग आप करते हैं तो उसमें आप फैक्ट्स डाल सकते हैं कि इंडिया का रेलिवेंस कितना ज़्यादा है, कि इंडिया की जो लोग हैं उनको ऐसी टीम्स में भी रखा जाता है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ऑन ऑल। तो ये अरुणव घोष का नाम, ही इज़ द CEO ऑफ दिल्ली बेस्ड काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, CEEW जिसको बोलते हैं ना, CEEW, उसके ये CEO हैं। दिल्ली बेस्ड है ये काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर, इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर टू दैट हाई लेवल ग्रुप, है ना। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सबको पता है आर्टिकल 44 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो डील करता है सिविल मैटर्स के थ्रू। सिविल मैटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, फैमिली रिलेटेड मैटर्स हो गए, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, ये सारे जो मैटर्स हैं आपके सिविल मैटर्स कहलाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ये कहा जाता है कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जो भी है, वो सब एक तरीके से डील होने लगेंगी। अभी हर रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं, हिंदू मैरिज लॉज अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग लॉज चलते हैं, ठीक है ना।
बट यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने से ये कहा जाता है कि सारे जो हैं रिलीजियस ग्रुप्स एक ही लॉस के थ्रू चलेंगे, और इससे बेनिफिट ये होगा कि यूनिफॉर्मली कंट्री में एक यूनिटी का माहौल भी रहेगा, डाइवर्सिटी भी रहेगी, और दूसरी चीज़ ये भी रहेगा कि जो यूनिफॉर्म असेसमेंट होगा लॉस का, इससे क्या होगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉस जो है ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाएंगे, है ना, हर बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। सो दीज आर द थिंग, और उसी का डिबेट जो है मोमेंटम पे है इस समय। मूव करते हैं NFC टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट पेमेंट। अब अभी रिसेंटली गूगल पे ने क्या किया है, गूगल पे ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसको NFC के थ्रू यूज़ किया जाएगा। NFC का मतलब क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप लोग को पता है ना वो कार्ड्स आते हैं जिसको आप टैप कर दो, अगर है ना टैप कर दो तो उससे पेमेंट हो जाती है ना, जस्ट आप जाकर के कॉन्टैक्टलेस, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, वो NFC के ही थ्रू होता है पॉसिबल, है ना। तो गूगल पे ने भी यही कहा है कि हम अपने मोबाइल डिवाइसेस में, मतलब हम अपने जो गूगल पे है उसमें NFC का वो फीचर देंगे, है ना। गूगल पे ने कहा है कि NFC का फीचर देने से होगा कि जस्ट आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को, जो भी स्मार्टफोन NFC इनेबल्ड है, मतलब कि जिन भी स्मार्टफोन्स में NFC के फीचर हैं, वो जा करके सीधे सिर्फ अगर टैप बस कर दें अपने उनके जो POS डिवाइस रहता है ना, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस जो रहता है, वहाँ पे जाकर सिर्फ आप अपने डिवाइस को टैप कर देंगे तो वो पेमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये कहलाता है NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। याद रखिएगा, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड से काम करती है। लिख लो ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें, फुल फॉर्म लिख लो, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और ये काम कैसे करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स के थ्रू ये काम करती है। एंड इसके अलावा इसके बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं वो लिख लीजिए, है ना, क्योंकि UPSC पूछता है कई बार, जैसे इसमें इसका एक एप्लीकेशन हेल्थ केयर में भी हो सकता है। तो अगर UPSC आपसे पूछे कि NFC टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या हेल्थ केयर में किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है ना। वॉलेट में तो हमने देख लिया कि किस तरीके से गूगल वॉलेट, एप्पल पे, इन सब में यूज़ हो रहा है ये। इसके अलावा जो बैंकिंग कार्ड्स हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा है। कॉन्टैक्टलेस टिकट्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम है वहाँ पे भी NFC कार्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको मतलब नेटवर्क को सिक्योर करना है, उसमें NFC का यूज़ किया जाता है। देन कई जगहों पे लाइब्रेरीज़ एंड लाइब्रेरी कार्ड्स, लाइब्रेरी बुक्स, उनके रिटर्निंग और इन सबको मतलब अनमैंड तरीके से, या कहना चाहिए कॉन्टैक्टलेस तरीके से अगर आपको हैंडल करना है, तो आप वहाँ पे लाइब्रेरीज एंड ऑल में भी NFC टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। NFC इज़ बिहाइंड द कार्ड्स दैट वी वेव ओवर कार्ड रीडर्स इन सबवे टर्नस्टाइल्स एंड ऑन बसेस टू चेक टिकट्स। तो जब टिकट्स चेक करते हैं ना, तो जो डिवाइस यूज़ होता है वो भी NFC डिवाइस ही होता है ना। इसके अलावा ये स्पीकर्स में भी प्रेजेंट रहता है, अप्लायंसेस में, बहुत सारे जो होम अप्लायंसेस हैं, जो ब्लूटूथ कंट्रोल्ड अप्लायंसेस हैं ना आपके, जो आपके जैसे मान लो मोबाइल के थ्रू आप अपना AC सही कर लेते हो। कई बार आपने देखा होगा कि MI के मोबाइल से आप AC का रिमोट बना लेते हो, MI के मोबाइल से आप TV का रिमोट बना लेते हो, वो एक्चुअली में NFC टेक्नोलॉजी के कारण ही पॉसिबल है, जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइसेस में सेटअप कर सकता है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेगा। हेल्थ केयर में भी देखो, एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर टू, जहाँ पे पेशेंट्स के स्टैटिस्टिक्स को मॉनिटर करने के लिए NFC रिस्ट बैंड्स का यूज़ किया जाता है, NFC इनेबल्ड रिस्ट बैंड्स का यूज़ किया जाता है। एंड NFC इज़ यूज इन वायरलेस चार्जिंग टू, NFC का यूज़ आप वायरलेस चार्जिंग के लिए भी कर सकते हो। ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये आप लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगले टॉपिक पे आते हैं। अभी UNEP ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है फ्रंटियर्स 2022 नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस, ठीक है ना, नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस, फ्रंटियर्स 2022। ये रिपोर्ट है जो कि UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने निकाली है। अब इसमें जो एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है, वो नॉइस पोल्यूशन से डील करता है। सबसे पहले तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि नॉइस को जो हम मेज़र करते हैं वो डेसिबल यूनिट, डेसिबल, DB जिसको शॉर्ट फॉर्म है DB, उसमें मेजर करते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादाबाद, तो मुरादाबाद हैज टर्न्ड आउट टू बी वर्ल्ड सेकंड मोस्ट नॉइजीएस्ट सिटी, है ना, वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज्यादा नॉइजीएस्ट सिटी के रूप में मुरादाबाद आई है, जिसकी मैक्सिमम डीबी वैल्यू 114 तक गई, 114 डेसिबल तक गई है। थोड़ा सा मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता दूं, WHO के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो रिकमेंडेशन ट्रैफिक नॉइस लेवल्स हैं वो 53 डेसिबल्स तक है, यानी कि 53 डेसिबल्स से ज़्यादा में फिर वो नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। रिकमेंडेटरी जो है वो 53 डेसिबल्स से कम रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। नॉइस पोल्यूशन के इम्पैक्ट क्या है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको मतलब डिस्ट्रेस में डालता है, सीवियर और क्रॉनिक हो सकता है,
इट अफेक्ट्स अवर स्लीप, इट अफेक्ट्स अवर ओवरऑल टाइमिंग्स, एंड इसके अलावा कई बार डिप्रेशन और हार्ट प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट करता है। इट प्लेज विद आर कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कई बार कॉज होता है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, नॉइजेस के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आर्टीरियल हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़, ये सब इसके इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म अगर एक्सपोजर आप रखते हो तो इस्कीमिया, जो हार्ट रिलेटेड इस्कीमिया होता है ना, जिसमें कि ये फिर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। यूरोप में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल पार्ट में आते हैं, मेकिंग द ग्राउंड वाटर विजिबल। यहाँ पे जो ऑथर ने बात की है वो बात की है, देखो वर्ल्ड वाटर डे जो होता है वो आपका 22 मार्च को होता है, वर्ल्ड वाटर डे इज़ ऑन 22nd मार्च। इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम थी वो थी ग्राउंड वाटर, मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो हम सबको पता है वाटर, ग्राउंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फॉर द सर्वाइवल एंड ऑल। इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वाटर, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता जा रहा है, और स्पेशली कई रीजन जैसे कि पंजाब हो गया, तमिलनाडु, यहाँ पे लिखा हुआ है कई रीजन ऐसे हैं, पंजाब हो गया, तमिलनाडु, जहाँ पे एक्सट्रैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा है। मतलब देखो क्या होता है, ग्राउंड वाटर कब ख़त्म होगा, ग्राउंड वाटर तब ख़त्म होगा जब उसके रिप्लेनिश होने का जो रेट है वो कम हो जाएगा दैन इट्स एक्सट्रैक्शन रेट। अगर आप यूज़ ज़्यादा करेंगे और वो रिप्लेनिश उस लेवल से ना हो पाए तो वो ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। और यही डेफिनेशन भी सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने दी है कि अगर एनुअल ग्राउंड वाटर विड्रॉल जो है वो सेफ़ कब माना जाता है, वो सेफ़ तब तक माना जाता है जब एक्सट्रैक्शन रेट 70% से कम हो, 70% से कम हो रिप्लेनिशेबल। मतलब अगर सपोज़ करो 100 लीटर रिप्लेनिश हो रहा है पर मंथ, पर ईयर, अगर 100 लीटर रिप्लेनिश हो रहा है तो केवल 70 लीटर तक ही आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, तभी तक वो सेफ है। अगर आपने 71, 72, 75 लीटर तक एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया तो फिर वो सेफ लेवल को क्रॉस कर लेता है। तो कुल मिलाकर के 70% तक जो एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज है उसके 70% तक ही आप एक्सट्रैक्ट करें। बट कई जगह जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पे 70% मार्क ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना। हाई लेवल एक्सट्रैक्शन के अलावा जो क्वालिटी है ग्राउंड वाटर की वो भी डिटीरिएट हो रही है। दूसरा जो चैलेंज है, एक्सट्रैक्शन तो पहला चैलेंज है, दूसरा है इसकी क्वालिटी भी गिर रही है। अब क्वालिटी क्यों गिर रही है, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। इसमें फ्लोराइड हो गया, आयरन हो गया, सैलिनिटी हो गई, नाइट्रेट पॉल्यूशन हो गया, आर्सेनिक पॉल्यूशन हो गया, कई जगहों पर ऐसा देखा गया है कि ये सॉइल पॉल्यूशन के कारण भी ग्राउंड वाटर जो है पॉल्यूटेड होता जा रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटिंग ट्रबल्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, फॉर द ग्राउंड वाटर। एंड एक कमेटी थी जिसका नाम था मिहिर शाह कमेटी, याद रखेगा। तो मिहिर शाह कमेटी ने कहा था कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है उसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मर्ज कर देना चाहिए, सेंट्रल वाटर कमीशन को सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के साथ मर्ज कर देना चाहिए, और इसके बाद एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जो कि इंटीग्रेटेड वे में पूरे कंट्री के जो ग्राउंड वाटर है उसको डेवलप करे, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर के प्रोटेक्शन के लिए लोकल प्लान्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लोकल कम्युनिटीज़ और लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं उनको इंक्लूड किए बिना ग्राउंड वाटर का प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का केवल एक्सट्रैक्शन नहीं बल्कि आपको उसको पोल्यूशन को भी देखना पड़ेगा कि उसके पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ना बढ़ सके, है ना। और जो ग्राउंड वाटर है उसको सरफेस वाटर के साथ कनेक्ट किया जाए, उसके बाद इसको गवर्न और मैनेज किया जाए। सो दैट इज़ अ थिंग विच हैज़ बीन मेंटेन। एंड इसके अलावा लार्ज स्केल में एक्वीफर मैपिंग की जाए, एक्वीफर आपको पता है ना, ग्राउंड वाटर का जो सोर्स होता है, ज़मीन के अंदर होते हैं कुछ रॉक्स जहाँ वाटर स्टोर होता है, वो एक्वीफर कहलाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि जो क्रॉप्स लगें या क्रॉपिंग पैटर्न हो वो ग्राउंड वाटर के हिसाब से हो, ऐसा ना हो कि ग्राउंड वाटर कम हो और आपने ऐसा क्रॉप्स लगा दिया जहाँ बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का यूज़ होता हो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही आप बेसिकली कहना चाहिए, ऑथर ने कहा है कि ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आज का लास्ट आर्टिकल जो है वो मैरिटल रेप से रिलेटेड है। एक्चुअली अभी रिसेंटली 22 मार्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हुआ है ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, जिसमें ऋषिकेश साहू के अगेंस्ट मैरिटल रेप का केस था, जिसको
कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया है, ठीक है ना। तो अभी तक क्या होता था कि कई लोग आर्गुमेंट ये देते थे कि हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स जो हैं वो केसेस को क्वैश कर दे रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जिससे कि कोई भी बैक ट्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन अब कोर्ट्स ने क्लियर कर दिया है इस केस को रिजेक्ट ना करते हुए। उन्होंने ऋषिकेश साहू के ऊपर 376 के अंतर्गत रेप का मामला दर्ज किया है और उसकी ये कहा है उन्होंने कि जो आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 22 है, 21 है, वो विमेन को राइट देता है कि दे हैव अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी एंड सेक्सुअल ऑटोनॉमी। यह आर्टिकल के अंतर्गत सेक्सुअल ऑटोनॉमी भी उनके अंदर पास एक पावर है, राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेस उनकी है, राइट टू प्राइवेसी उनकी है, और कोई भी व्यक्ति उनको उस राइट को छीन नहीं सकता है, इवन इफ ही इज़ द हस्बैंड ऑफ दैट वुमेन। तो ये चीज़ क्लियर की कर दी गई है इस केस में। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से इसको आगे सुप्रीम कोर्ट में लिया जाता है या और कहीं पर लिया जाता है। बट फॉर द टाइम बींग कोर्ट का कहना है अ मैन इज़ अ मैन, एन एक्ट इज़ अ एक्ट एंड रेप इज़ अ रेप। तो ये उन्होंने कहा है कि वेदर इट इज़ हस्बैंड और एनी अदर पर्सन, इट डज़ नॉट मैटर, क्लियर कट उन्होंने कहा है। अच्छा, अभी तक जो एक्सेप्शंस होते थे ना, वो एक्सेप्शंस चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल जो ब्रिटेन के थे 1736 में उन्होंने कह दिया था कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वेडेड वाइफ, है ना। तो एक्चुअली ये जो एक्सेप्शंस थे वो चीफ जस्टिस मैथ्यू हेल के 1736 के जजमेंट के कारण हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। सो इससे ये सारी चीज, बट नाउ द कोर्ट हैज मेड इट क्लियर दैट एन एक्ट इज़ अ एक्ट एन रेप इज़ अ रेप, है ना। तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का ऋषिकेश साहू वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका केस याद रखेगा, बट इट्स नॉट अभी फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, तो लेट्स सी कि किस तरीके से इसको आगे देखा जाता है। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।